हेलो एंड वेरी वॉम वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्निंग विदाउट रूल्स का वही स्पेशल सेशन जिसमें मैं दिए गए प्रीवियस ईयर के आंसर और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सामने उपस्थित होता हूं। अभी तक 9 सेट के आंसर और डिटेल एक्सप्लेनेशन आप तक पहुंचाए जा चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब ने इससे बहुत कुछ सीखा होगा और आप सब ग्रेजुअली एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे सेट में अच्छे अंक प्राप्त किए होंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा होगा, क्योंकि परीक्षा आने वाली है। IBPS ने PO की नोटिफिकेशन दे दी है, इस लिहाजन ये बहुत जरूरी है कि आप नियमित रूप से अभ्यास करें। यहाँ पर मैं अपनी ओर से क्षमा प्रार्थी हूँ कि काफी गैप के बाद ये जो है सेट 10 का आंसर और डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हो रहा हूँ। कुछ परेशानी की वजह से ऐसा हुआ। अब यहां से मैं कोशिश करूंगा कि प्रत्येक दिन आपके लिए एक सेट का सोल्यूशन लेकर के उपलब्ध हो पाऊं। आज के सेशन में भी अंत में एक प्रीवियस ईयर का सेट लगाया गया है, उसे आप डाउनलोड करें, बनाएं और जैसे जैसे हम सॉल्यूशन कराएंगे उसका सॉल्यूशन भी लेकर के आपके सामने उपस्थित जरूर होंगे। एक सूचना है आप सबके लिए, सेट 11 से जो है क्वेश्चन के जो नंबर थे उसमें गड़बड़ी हुई और फिर हो गया है, तो मैंने अपडेट करके उसके लिए नंबर वाला अपडेटेड सेट जो है वो उस पर डाल दिया है। आपको कुछ करना नहीं है, उसको डाउनलोड करके सिर्फ नंबर सुधार लेना है, क्योंकि जब मैं सॉल्व कराऊंगा तो हो सकता है कि मैं कोई दूसरा नंबर बोलूं और आपको मिलाने में परेशानी हो, इसलिए मैंने फिर से सारे क्वेश्चन को अपडेट कर दिया है। तो जल्दी से यहां पर पेपर, पेन और हाँ एक और चीज कि अगर आप में से कोई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सेट 10 को नहीं बनाया है तो इस वीडियो को यहां पर रोकिए, पहले उस सेट को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करिए, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और फिर मेरे साथ आइए, इसके आंसर और डिटेल एक्सप्लेनेशन को मिलाइए और देखिए कि आपने कौन सी ऐसी गलती की जिस वजह से कोई सवाल आपका गलत हुआ। तो फटाफट आपके द्वारा बनाए गए सॉल्यूशन पेपर, क्वेश्चन, नोटबुक और पेन लेकर तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आज के सेशन में दिए गए 15 सवाल के आंसर क्या है और उसके पीछे कौन कौन से ग्रामेटिकल नॉर्म्स लगे हुए हैं। चले देखा जाए। आइए हम यहाँ पर सेशन की शुरुआत करते हैं और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेगा ताकि अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। हर एपिसोड की तरह क्वेश्चन आपको यहाँ पर बगल में दिखेगा और एक एक करके मैं उसका सोल्यूशन आपको कराता चलूंगा। चलिए सबसे पहले जो 38वां सवाल है, ये 138वां सवाल है, ये ध्यान रखेंगे कि इससे पहले मैंने 100 क्वेश्चन आपको करा दिया है। ये एक मार्कर की तरह है कि हमने 100 सवाल सॉल्व किए। चलिए पहले सवाल में क्या कह रहा है कि द सिटी पीपल स्टेड फियरलेसली डिस्पाइट ऑफ। अब देखिए कि मैंने इसकी चर्चा इससे पहले की है कि डिस्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं करते हैं हम, इसके बदले दोनों की मीनिंग लगभग सेम होती है, इन स्पाइट ऑफ, इसके साथ हम ऑफ का प्रयोग सही है, इसके साथ ऑफ का प्रयोग गलत है। इसी तरीके का मैंने एक जानकारी आपको और दी थी कि कंसिस्ट के साथ ऑफ लगाते हैं, कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं लगाते हैं। तो ये दो बातें हैं ध्यान रखने के लिए, ऑफ से रिलेटेड है इसलिए मैंने इसकी चर्चा कर दी। ये ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी सेंटेंस में हम डिस्पाइट लिखेंगे उसके साथ ऑफ नहीं लिखेंगे, इंस्पाइट के साथ ऑफ लगता है, दोनों का मीनिंग लगभग एक ही जैसा होता है और इसीलिए जो 38वें का आंसर हो जाएगा वो हो गया आपका बी। इसमें हम बी वाले हिस्से में डिस्पाइट के बाद जो ऑफ आया है उसको हटा देंगे और हो जाएगा द सिटी पीपल स्टेड फेयरलेसली डिस्पाइट र्यूमर ऑफ टेररिस्ट अटैक इन द एरिया, और तब ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखा जाए, ये नरेशन से जुड़ा हुआ सवाल है और नरेशन के रूल की खासी जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आपने टाइम एंड टेंस ऑलरेडी पढ़ा है। देखिए कह रहा है द डायरेक्टर आस्क्ड मी, और सबसे पहले क्या है आस्क्ड मी, है ना? तो अब ये इंफॉर्मेशन अभी दी जा रही है, उससे पहले की कोई घटना होगी। हाउ आई हैव नॉट टेकन हिज परमिशन, दैट मींस कि हमने पहले, या आप सीक्वेंस के आधार पर भी रखेंगे तो भी आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। वैसे हम इसकी चर्चा नरेशन में करेंगे लेकिन अगर आप अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करेंगे जितना मैंने आपको टाइम एंड टेंस में बताया है उसके आधार पर आप आसानी से इसको समझ सकते हैं कि यहां देखिए आस्क्ड है, दैट मींस कि अभी कही जा रही है और इससे पहले हमने परमिशन नहीं लिया, तो दैट मींस यहां जो हैव लिखा हुआ है इसका प्रयोग गलत है, आप इसकी जगह पर हैड का प्रयोग करेंगे और तब ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा और इसीलिए
39वें का भी जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। चलिए 40वां देखा जाए। देखिए 40वें सवाल में कह रहा है बाय प्रेजेंट, और मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम दो तरीके से आईएनजी वाले वर्ब का प्रयोग करते हैं, दो क्या तीन तरीके से आप कहिए, कि किसी भी एक्शन वर्ड के साथ अगर आप आईएनजी लगा हुआ है तो वो दो तरीके से, हाँ दो ही तरीके कहिए, और एक तरीके का दो इस्तेमाल है। एक होता है जेरंड की तरह इस्तेमाल होता है, दूसरा होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह। ये ध्यान रखिएगा, जब इस चैप्टर की बात करेंगे तब हम वहां पर डिटेल से बात करेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो एडजेक्टिव होता है, और जब हम इसके साथ बी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करते हैं तब मेरा कंटिन्यूअस एक्शन बताता है। देखिए यहां पर ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहां पर जो मैं ये बताता हूं सिर्फ आपकी जानकारी को और मजबूत करने के लिए, बस और कुछ नहीं है। मैं यहां पर कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे बच्चे बोर हो रहे होंगे कि सर हर में रूल, जी हाँ ये जरूरी है। मैं यहां पर सिर्फ प्रीवियस ईयर का अगर सॉल्यूशन कराऊं ना तो और सारे जितने भी चैनल पर वीडियोस हैं उसकी तरह मैं 100 क्वेश्चन एक दिन में करा दूं, एक घंटे का समय लगेगा और मैं 100 क्वेश्चन का आंसर और उसमें क्या होगा उसकी जगह पर वो मैं आपको बता दूं। लेकिन मैं इस पक्ष में हूं कि आपको एक बार इस सॉल्यूशन को देखने की जरूरत पड़े, उसके बाद उस सॉल्यूशन में पूछे गए सवाल के आधार पर कोई भी सवाल अगर आपसे पूछा जाए तो आप उसे बना पाओ, और इसीलिए मैं इतना बताता हूं। तो देखिए जेरंड है तो ये नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, इसको हम सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहां पर ये एडजेक्टिव की तरह जब इस्तेमाल होगा तो इसके बाद एक नाउन का प्रयोग करेंगे, और ये जब बी यानी कि एज आर एम के साथ होता है, आई एम प्लेइंग, ही इज डांसिंग, सी इज डांसिंग, तो वहां पर है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बट बी के साथ है, दैट्स व्हाई वो वर्ब का चौथा फॉर्म है। अब यहां पर इसके साथ हम एक नाउन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे सवाल में बाय प्रेजेंट लिखा गया है। अब आपके मन में होगा कि यहां सर टू बाय लिख दें, टू भी चल सकता है, अकेले तो हम इसको लिख नहीं सकते, तो टू लिखेंगे तो फिर ये हो जाएगा नाउन। तो टू नाउन प्लस फिर से जो है प्रेजेंट, वो नाउन यानी उपहार की बात की जा रही है तो गलत हो जाएगा, इसीलिए हम यहां पर लिखेंगे बाइंग प्रेजेंट, बाइंग, तब ये जो है इसको ठीक ढंग से सेटिस्फाई कर पाएगा और मेरा सेंटेंस सही हो जाएगा। इसीलिए जो 40वें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। क्या करेंगे, बाइंग प्रेजेंट फॉर लेडीज इन देयर एब्सेंस इज वेरी डिफिकल्ट टास्क, एक्चुअली बिल्कुल उनकी अनुपस्थिति में खरीदना बहुत कठिन काम है। हाँ अब आपके मन में होगा मारो कहीं लगे वहीं कि सर ने किसके लिए खरीदा, भाई मेरे घर में भी माँ है, मैं भी किसी माँ का बेटा हूं, बहन का भाई हूं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चलिए 41वां सवाल देखा जाए। 41वें सवाल में कह रहा है कि अ डिजास्टर मैनेजमेंट सेल इज ओपन्ड। अब देखिए कि यहां पर क्या है इज और इसके साथ लगा हुआ है ओपन्ड। मैंने कई बार आपको बताया है कि इसके साथ ये जो लगा हुआ है ना ये है पास्ट पार्टिसिपल, और ये जो है वॉइस का पैटर्न है, और यहां पर देखिए कि बाय लगा हुआ है ना, बाय प्लस एजेंट भी लिखा हुआ है, तो ये जल्दी ही हम वॉइस का सेशन शुरू करेंगे। मैंने ऑलरेडी आपके लिए जो है एक वॉइस के लिए जो बेसिक कंसेप्ट है जो जरूरी था ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, उम्मीद करता हूं कि वो वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। कोई सवाल है तो कमेंट करके लिखिए जरूर। यहां पर तो यहां क्या कह रहा है, खोला जाता है हर साल, यहां इसका यह मतलब है, प्रेजेंट में लिखा हुआ है कि डिजास्टर मैनेजमेंट सेल इज ओपन बाय द स्टेट गवर्नमेंट बिफोर द रेनी सीजन इज एज अ प्रिकॉशनरी मेजर, मतलब हर साल जो है उसको ओपन किया जाता है। क्या किया जाता है, एक क्या डिजास्टर मैनेजमेंट सेल उसका विभाग, वो जो है विभाग रेनी सीजन से पहले उसके आधार पर प्रिकॉशनरी मेजर यानी पहले से जो है सावधानी के तौर पर कि कोई ऐसा कुछ हो तो उसके लिए तैयार रहें। इसीलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नो एरर, और ऑप्शन जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ई। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। यहां पर आपको इज देख के ओपन कहीं मन में आया होगा, तो अगर ऐसा होता ना स्टेट गवर्नमेंट हैज ओपन्ड तब सही था, लेकिन हमने सब्जेक्ट जो है उसको बाद में लिखा है, दैट्स वाई इसको वॉइस के पैटर्न में लिखेंगे और ये सही है। चलिए अगला सवाल देखा जाए 42वां। कह रहा है दिस कॉलेज, ये ध्यान रखिएगा कि जब ही शुरू में लिखा है दिस कॉलेज हैज
तो कॉलेज सिंगुलर है, उसके साथ हैज लगाया है। अ ग्लोरियस ट्रेडिशन, ठीक है, यहां तक सही है कि दिस कॉलेज हैज अ ग्लोरियस ट्रेडिशन, यहां तक ठीक है। अब दैट, तो दैट जब हमने लिखा है, दैट मीन्स इससे पीछे की जो कहानी है वो हम ग्लोरियस ट्रेडिशन की बात कर रहे हैं, तो वो अट्रैक्ट्स नॉट अट्रैक्ट, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, और यहां पर अट्रैक्ट जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल गलत है, इसके साथ होना चाहिए दैट अट्रैक्ट्स, तब ये सेंटेंस सही हो जाएगा, और इसीलिए जो 42वें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। आइए अब हम अगला सवाल देखते हैं, और वो सवाल नंबर है 43वां, और 43वें सवाल में क्या कह रहा है देखिए, कि कह रहा है कि मानसी इज टू बिजी इन हर करेंट प्रोग्राम्स टू टेक अप एनी न्यू वंस। अब यहां पर देखिए कि सबसे पहले मैं बता दूं कि इन यहां प्रयोग जो है वो गलत है, इन का प्रयोग नहीं होगा, उसकी जगह पर विद होगा। अब यहां पर है कि इसके लिए हम इसको कैसे समझें, तो देखिए उसको जो है डील विद समथिंग होता है, यहां सेंस जो है वो डील विद समथिंग का है, मतलब है कि यहां जो बिजी का सेंस है कि अगर हम कहते हैं कि इफ यू आर बिजी विद समथिंग दैट मींस यू आर डीलिंग, मतलब यू आर डीलिंग विद समथिंग, यहां सीधी सी बात है डील विद का सेंस यहां पर आ रहा है, इफ यू आर बिजी विद समथिंग अगर हम कहते हैं तब ये परफेक्ट मीनिंग आता है। बिजी इन जब लगाते हैं तो उसका डीलिंग वाला सेंस नहीं होता है। चूंकि मेरे सेंटेंस में कह क्या रहा है उसको देखिए, कह रहा है कि मानसी इज टू बिजी इन हर करंट प्रोग्राम्स टू टेक अप एनी न्यू वंस, मतलब उसको डील करने में व्यस्त होना, यहां जो है डील करने का सेंस यहां पर आ रहा है, इसीलिए इस सेंस में सबसे जो अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन है वो विद है। अगर हम बिजी के साथ इन लगाते हैं तब वो डील का सेंस नहीं आता है, और इसीलिए इस लिहाजन यहां पर जो है इन का प्रयोग गलत है। हम जब प्रेपोजिशन चैप्टर में आएंगे इस पर हम पूरे एकदम आराम से इसकी चर्चा करेंगे, एक एक बात को समझाएंगे। देखिए प्रेपोजिशन का प्रयोग कभी भी आप इस तरीके से जो हम लोगों को पढ़ा दिया जाता है कि एट का मतलब में होता है, इन का मतलब में होता है, इनटू का मतलब में होता है, तो भैया हर जगह के में हम किसी को भी प्रयोग नहीं कर सकते, उसका एक दायरा है, और उस आधार पर अगर आप प्रेपोजिशन को समझेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। यहां सीधा सा मैंने कहा कि मीनिंग जो है कि मानसी इज टू बिजी, इसका सीधा मतलब है कि इफ यू आर बिजी विद समथिंग, इसका मतलब है कि यू आर बिजी डीलिंग विद इट, मतलब है कहीं ना कहीं उसको आप डील करने में बिजी हैं, और इसीलिए इस लिहाजन यहां पर इसका जो होगा विद हो जाएगा इन की जगह पर, और इसीलिए 43वें का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। चलिए 44वां सवाल देखा जाए, बहुत ही आसान सवाल है, यहां पर एक दो को छोड़कर कह रहा है द मेन एडवांटेज आर कंट्री इंडिया हैज। अब सबसे पहले देखिए कि से फिर से पहले जो है सिंगुलर है, चूंकि इंडिया की बात कर रहा है, हैज लिखा है, ये ध्यान रखना है कि मेरा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, ये सब चीज ध्यान देने की है कि आप कितने एकाग्रचित होकर के सवाल को बनाते हैं, कि द मेन एडवांटेज आर कंट्री इंडिया हैज ओवर अदर कंट्रीज इज इट्स लार्ज ह्यूमन कैपिटल विच, और विच बताया था रिलेटिव प्रोनाउन है, और जब हमने विच का प्रयोग किया तो एक्चुअली ये इंडिया के लिए जो है और यूज हुआ है, और लार्ज ह्यूमन कैपिटल की बात कर रहा है, अगर हम उसको भी देखें तो वो भी अनकाउंटेबल यहां पर जो है लार्ज ह्यूमन कैपिटल की बात कर रहा है, तो इसीलिए मेक्स इट एन आइडल आउटसोर्सिंग बेस, और इसीलिए यहां पर जो है मेक की जगह पर हो जाएगा मेक्स। सिंपल सी बात समझिए कि यहां पर जो मेक लिखा हुआ है वो गलत है, इसको हम चेंज करेंगे मेक्स में और सेंटेंस मेरा सही हो जाएगा, इसीलिए 44वें का जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी। चलिए अगला सवाल देखा जाए, अगले सवाल में 45वां, इससे पहले के सेशन में मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी भी प्रकार के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब अगर हम उसको सेकंड, मतलब जब इंसान कोई भी है टू हूम करके टू, जैसे मैंने बताया था पिछले दिन कि रोहन गेव अ लैपटॉप टू हिज सिस्टर, जब मैंने उसके बीच में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को नहीं डाला था तो मैंने क्या कहा था, रोहन गेव हिज सिस्टर,
अ लैपटॉप, वहां पर मैंने कोई भी प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं किया था। यह बात मैंने आपको बताई थी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं करते हैं। और यहां देखिए क्या लिखा हुआ है कि द जज हैज डायरेक्टेड द अक्यूज्ड, यहां जो टू लिखा हुआ है ए में वो गलत है, और इसीलिए यहां पर इसका जो आंसर हो जाएगा 45वें का वो हो जाएगा ए, यहां से हम टू हटा देंगे, डायरेक्टेड द अक्यूज्ड। सीधा सा है, टू होम से पूछेंगे, ये इसका ऑब्जेक्ट है, और इस केस में चूंकि यहां पर जो है कोई भी दूसरे ऑब्जेक्ट या जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाली बात ही नहीं है, एक ही ऑब्जेक्ट है कि जज ने डायरेक्टेड किया किसको, अक्यूज्ड को, इसलिए उसको हम सीधे सीधे लिखेंगे, चूंकि ये प्रेपोजिशनल फ्रेज नहीं है कि हम इसको प्रेपोजिशन के साथ लिखें। और मैंने कहा था कि आपके वर्ब के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम बिना प्रेपोजिशन के लिखते हैं। चलिए 45वें का आंसर क्या हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा ए। चलिए 40वां देखा जाए, कह रहा है कि टुडे मोस्ट एम्प्लॉयज कंप्लेन ऑफ सफरिंग। अब देखिए कि सफर के साथ जिस तरह से डेटर के साथ मैंने बताया था उसी तरीके से यहां पर भी फ्रॉम लगता है, सफरिंग फ्रॉम नॉट फॉर, ये फिक्स प्रपोजिशन है, आपको ध्यान रखना है। मैंने बताया था शायद अबाइड बाय के लिए बताया था, तो उस तरीके से, उसके बाद मैंने बताया था डिपेंड ऑन अपॉन बताया था, तो वो आपको याद होगा कि मैंने जो फिक्स प्रपोजिशन आपके सामने चर्चा की है उसको आप रिव्यू करते रहेंगे। तो सफर आपके लिस्ट में एक और बढ़ गया कि सफर के साथ क्या होता है, फ्रॉम, सफरिंग फ्रॉम द स्ट्रेस, और इसीलिए जो 46वें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, यहां फोर को हटा के हम फ्रॉम में चेंज कर देंगे। चलिए अब यहां पर 47वां देखिए, और ये सवाल मुझे लगता है कि लगभग ऐसे बच्चे जो जानते होंगे प्रिमाइजेस का मतलब, तो उन्होंने इस शब्द को देख करके जो है वो उसको टिक किया होगा, बट प्रिमाइज भी एक वर्ड है जिसका मतलब होता है आधार या प्रतिज्ञा, ये भी एक शब्द है, लेकिन हम यहां पर सेंस देखेंगे कि सेंटेंस में क्या कह रहा है कि सिंस द टेनेंट फेल्ड टू पे हिज रेंट ऑन टाइम द लैंडलॉर्ड डिनाइड हिम एक्सेस टू द प्रिमाइजेस। प्रिमाइजेस का मतलब होता है घेरा आहाता घर, प्रिमाइजेस का मतलब घेरा आहाता कैंपस, और घर भी कहिए उसका प्रयोग हम घर के सेंस में भी इस्तेमाल करते हैं। तो चूंकि वो समय से जो है रेंट देने में फेल हो गया, इसलिए उसको अपने घर को एक्सेस करने से मना कर दिया लैंडलॉर्ड ने, तो यहां पर होना चाहिए प्रिमाइज की जगह प्रिमाइजेस। प्रिमाइज का मीनिंग लिख लीजिएगा प्रतिज्ञा या आधार होता है, जी हाँ प्रतिज्ञा या आधार होता है, और प्रिमाइजेस का मतलब होता है कैंपस आहाता घर, इस सेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बड़ा ही आसान सा सवाल था ये, 47वें का हो गया डी, हम इसमें एक एस जोड़ेंगे प्रिमाइज में और ये सही हो जाएगा प्रिमाइजेस। चलिए 48वां सवाल देखा जाए, कह रहा है कि हिज इंडस्ट्रियस नेचर एंड काम टेम्परामेंट हैव इंडर्ड हिम टू हिज कलीग्स एंड सुपीरियर्स। यहां जो वंस लिखा हुआ है, मैंने पहले भी बताया था कि जो प्रोनाउन है उसी का जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी की फैमिली का, अपने लिए जब हम इस्तेमाल करते हैं तो आई एम डूइंग माय वर्क लिखते हैं, आई एम डूइंग वंस वर्क हिज वर्क लिखते हैं, तो दूसरे का मतलब हो जाता है वो पराए के लिए होता है। तो यहां पर क्या कह रहा है कि उसका जो इंडस्ट्रियस नेचर है, जो काम टेम्परामेंट है, वो हैव एंडर्ड हिम हिज टू हिज कलीग्स एंड सुपीरियर्स। वंस जो वहां लिखा हुआ है वो गलत और अनावश्यक प्रयोग है, इसलिए वंस को वहां से हटा देंगे, हिज कलीग्स एंड सुपीरियर्स बिल्कुल सही हो जाएगा, हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इस तरीके से हम लिखते हैं, बीच में उसको डालने की जरूरत नहीं है, वंस का यहां पर प्रयोग गलत है, और इसीलिए जो 48वें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। चलिए 39वां देखा जाए, कह रहा है कि आफ्टर केयरफुल स्क्रूटनी ऑफ द रिपोर्ट, केयरफुल स्क्रूटनी ऑफ द रिपोर्ट, वेराइटी मिस्टेक्स। अब देखिए वेराइटी एक नाउन है, हाँ जी गुड वेराइटी हम अक्सर बात करते हैं, तो वेराइटी एक नाउन है, उसके बाद मिस्टेक्स भी नाउन है, तो हमें क्या चाहिए, मिस्टेक्स के पहले एक एडजेक्टिव चाहिए, वेरियस मिस्टेक्स, इसको आप चेंज कर लीजिए, ओ यू एस जिसमें लगा हुआ होता है, मैंने जो है सफिक्स बताने के दौरान बताया है एफिक्सेस एंड रूट वर्ड की सीरीज में, मैं यहां पर वो प्लेलिस्ट ऐड कर देता हूं, आप को समय मिले आप उसे देखिए जरूर, कि ओ यू एस जहां पर लगा हुआ होता है वो एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है, तो यहां पर हम वैरायटी को चेंज करेंगे वेरियस में, और तब हो जाएगा आफ्टर केयरफुल स्क्रूटनी ऑफ द रिपोर्ट वेरियस मिस्टेक्स दैट हैव बीन मेड बाय द रिसर्च डिपार्टमेंट वर फाउंड।
और यहां पर जो है 49 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। हम क्या करेंगे, वैरायटी को चेंज करेंगे वेरियस में। चलिए 50वां सवाल देखा जाए, बड़ा ही आसान है। देखिए एक चीज तो गौर किए हैं कि पीछे जितना भी मैंने बताया है उसमें से जो भी आ रहा है वो तो बन जा रहा है, जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब होगा, प्लुरल सब्जेक्ट है प्लुरल वर्ब है, रिलेटिव प्रोनाउन की बात की कि भाई वो कि जिसके हिसाब से आया है उसके अकॉर्डिंग भी हम वर्ब देख करके लगा रहे हैं। डिस्पाइट वाला मैंने इससे पहले बताया था, वो कुछ एक नया भी आ रहा है जैसे सफर के साथ फ्रॉम लगता है, मैंने बताया कि बिजी के साथ विद तब लगता है जब उसके साथ हम डील विद का सेंस लेते हैं। चलिए कह रहा है 50वें सवाल में कि सिंस द एजुकेशन सिस्टम हैज बीन पोअरली डिजाइंड देयर आर नॉट मेनी इंस्टीट्यूट्स। ये ध्यान रखिएगा कि मेनी के साथ हमेशा नाउन प्लुरल, ये याद रखने वाली है कि मेनी के साथ नाउन प्लुरल, और यहां पे लिखा हुआ है मेनी इंस्टीट्यूट, गलत है, मेनी इंस्टीट्यूट्स, यहां पर एस लगाएंगे, इस नाउन को प्लुरल करेंगे और इस लिहाजन जो 50वें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, और ये तब बिल्कुल सही हो जाएगा, आर नॉट मेनी इंस्टीट्यूट्स दैट ऑफर दिस फैकल्टी। चलिए 51वां देखा जाए, कह रहा है द सेलिब्रिटीज दैट ऑर्गेनाइज द मैराथन वर एमिंग टू क्रिएट एन अवेयरनेस ऑफ समथिंग। ये ध्यान रखिएगा कि अवेयरनेस ऑफ समथिंग, अगर किसी चीज के लिए अवेयरनेस क्रिएट किया जाता है तो हम ऑफ का प्रयोग करते हैं, कोई उद्देश्य करके किया जाता है तो वहां पर हम जो है ऑफ का प्रयोग करते हैं, अवेयरनेस अबाउट नहीं होगा यहां पर, अवेयरनेस ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज, मतलब उसके प्रति जागरूकता, डायबिटीज के प्रति जो जागरूकता है उसके लिए जो है एम किया गया था ये मैराथन, तो इसीलिए यहां पर अबाउट हटा करके आप ऑफ का प्रयोग करेंगे, दैट्स व्हाई 51 का जो आंसर हो जाएगा हो जाएगा आपका डी। अब देखिए एक और है कि ट्रबल को हम बिना प्रेपोजिशन के भी इस्तेमाल करते हैं, मैं 52वें सवाल की बात कर रहा हूं कि ट्रबल को हम बिना प्रेपोजिशन के भी इस्तेमाल करते हैं, ट्रबल को हम अदर अदर डिफरेंट डिफरेंट प्रेपोजिशन के साथ इस्तेमाल करते हैं, इनफैक्ट ट्रबल को हम फोर के साथ भी इस्तेमाल करते हैं, बिटवीन के साथ भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहां जो सेंस है सेंटेंस पढ़िए डील है, और जब हम कहते हैं कि टेक द ट्रबल, मतलब उसको हम ट्रबल को वो डील की तरह लें, उसे करने के लिए उसको वहां पर जब वो मेरे लिए एक चुनौती के रूप में आ जाए तब हम उसके साथ यूज करते हैं टू। क्या कह रहा है कि अनलेस द न्यू रिजोल्यूशन इज कंप्लीटली रिव्यूड इट विल कॉज अ ग्रेट डील ऑफ ट्रबल टू न्यू एम्प्लॉइज। यहां पर टू लगने की बस एक ही वजह है कि यहां जो सेंस है वो है टेक द ट्रबल, कि वो उसे जो है चुनौती की तरह उन लोगों के लिए होगा, किन लोगों के लिए, ट्रबल टू न्यू एम्प्लॉइज, जो यहां पर कह रहा है कि अनलेस द न्यू रिजोल्यूशन, ये जो न्यू रिजोल्यूशन है ट्रबल टू न्यू एम्प्लॉइज, और यहां जो सेंस है टेक द ट्रबल का, इसीलिए यहां जो यूज है फोर का वो इस संदर्भ में बिल्कुल गलत है। यहां पर ध्यान रखेंगे कि जब टेक द ट्रबल का सेंस आएगा ट्रबल से, क्या कह रहा है कि डील ऑफ ट्रबल है ना, क्या कह रहा है कि ग्रेट डील विल कॉज अ ग्रेट डील ऑफ ट्रबल, तो वो टेक द ट्रबल के सेंस में यहां पर आ रहा है, और इसीलिए फोर को हटा करके हम इसमें टू करेंगे और जो 52वें का आंसर हो जाएगा वो भी हो जाएगा आपका डी। चलिए आज के टॉपिक में यहां पर आज के सेशन में कुछ ज्यादा नया नहीं सीखने के लिए मिला, एक पुरानी बात दोहराई कि डिस्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं करते हैं, एक नई जानकारी मिली कि हम बाइंग के साथ अकेला लिखेंगे, ठीक है कि प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ तो वो जेरेंड हो जाएगा, और प्लेइंग क्रिकेट ऐसे लिखेंगे तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, ये मैंने आपको बताया। फिर यहां पर मैंने आपको बताया कि बिजी के साथ विद तब लगा है जब डील विद का सेंस वहां पर आ रहा है कि कोई सारे प्रोग्राम है उसको उसमें वो डील करने में बिजी है, इस तरीके का सेंस आ रहा है इसलिए वहां पर विद लगा है, और मैंने कहा भी कि इफ यू आर बिजी विद समथिंग दैट मींस कि यू आर बिजी डीलिंग विद समथिंग या डीलिंग विद इट। उसके बाद फिर एक नई चीज आई कि सफर के साथ फ्रॉम लगता है, सफरिंग फ्रॉम फीवर, प्रेमाइज का एक वर्ड जो प्रेमाइज है उसका मीनिंग होता है आधार या प्रतिज्ञा, प्रेमाइजेस का मतलब होता है घर, और मैंने बताया कि वैरायटी एक नाउन है और वेरियस एक एडजेक्टिव है, मेनी के साथ हम प्लुरल नाउन का प्रयोग करते हैं। उम्मीद करता हूं कि सभी 15 क्वेश्चन आप सबके सही होंगे, आपने ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त किए होंगे, आप लिख करके मुझे जरूर सूचित करें कि आपको कितना अंक इस सेशन में आया, आप रिव्यू किए बगैर किसी भी नए सेशन को सॉल्व ना करें, मैं यहाँ पर सलाह दूंगा कि पिछले सेशन से ही लगभग
पांच छह सवाल होते हैं, अगर आप रिव्यू करते हैं तो आपके अंक में कभी भी गिरावट नहीं होगी। ये गिरावट आपकी छोटी छोटी गलतियों की वजह से होता है, छोटे छोटे कंफ्यूजन की वजह से होता है। बेहतर है कि रिव्यू करते रहिए, अपने जहन में जितने कंसेप्ट मैं अब तक बताया हूं, लगभग 150 से ऊपर क्वेश्चन हो चुका है, उसको अपने जहन में बसा के रखिए। एरर बिल्कुल आसान लग रहा होगा आपको, आप इसे एंजॉय कर रहे होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया आप इसे लाइक कर दें, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड की नोटिफिकेशन आपको मिले, अदरवाइज वीडियो आपकी मिस हो सकती है। अगले दिन यहां से फिर सेट 11 के आंसर के साथ उपस्थित होते हैं, तब तक के लिए लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सिंह से, दिस इज बी के सिंह साइनिंग ऑफ, कीप रीडिंग कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।